हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं टेक क्लाउड। तो फाइनली इन्फिनिक्स नॉट 8 और इन्फिनिक्स नॉट 8 आई की लॉन्चिंग डेट को पाकिस्तान के मार्केट में कंफर्म कर दिया गया है। और ये कौन सी डेट को लॉन्च किए जाएंगे मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। और यार, ये दोनों फ़ोन बहुत ही कमाल स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इन्फिनिक्स नॉट 8 फ़ोन की। अगर आप इस फ़ोन का कंपेयर इन्फिनिक्स नॉट 7 से करते हैं तो यार ये बहुत ही अलग किस्म का होने वाला है इन्फिनिक्स नॉट 7 से, क्योंकि इसके जो डिज़ाइन और स्पेक्स हैं बहुत ही मुख्तलिफ रखे गए हैं इन्फिनिक्स नॉट 7 से। क्योंकि इन्फिनिक्स नॉट 7 पे आपको एक सर्कल शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्वायर शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी प्राइस की बात करते हैं तो मुझे लगता है इसकी प्राइस पाकिस्तान की मार्केट में 30 या 32 हज़ार के दरमियान में ही पाकिस्तान की मार्केट में इसकी प्राइस रखी जाएगी। तो इस प्राइस टैग के साथ क्या ये पाकिस्तान की मार्केट में जस्टिफाई करेगा, मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं यार इसके फ़ोन के डिज़ाइन से। डिज़ाइन की बात की जाए तो फ्रंट पर आपको एक डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है, और फ्रंट की जो प्रोटेक्शन होगी वो आपको ग्लास में दी गई है। लेकिन ये अनस्पेसिफाइड है ये कौन से ग्लास में आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आप इसके बैक की बात करते हैं तो बैक पे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, और बैक की जो प्रोटेक्शन होगी वो आपको प्लास्टिक में देखने को मिलेगी। फ्रेम भी इसका आपको प्लास्टिक में ही दिया गया है। अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको HD+ डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर आपको Full HD+ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.95 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले दिया गया है। 720 डिस्प्ले पिक्सल्स होंगे, 258 PPI डेंसिटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको 83.0 skin-to-body ratio देखने को मिलेगी। मतलब कि बेजल्स आपको कम देखने को मिलेगी, चिन नीचे की साइड से थोड़ी आपको बड़ी देखने को मिलेगी। अगर आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड होगा, और इस पर आपको XOS 7.1 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो नो डाउट परफॉर्मेंस इस फ़ोन पे आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक गेमिंग चिपसेट दिया गया है। इस पे जो आपको चिपसेट दिया गया है वो मीडियाटेक की तरफ से G80 का चिपसेट दिया गया है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। मतलब इस पे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। GPU आपको माली की तरफ से G52 का GPU देखने को मिलेगा। अगर आप इसके स्टोरेज टाइप की बात करते हैं तो स्टोरेज टाइप अभी तक अनस्पेसिफाइड है, और ये हमेशा की तरह अनस्पेसिफाइड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 6GB+ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। अगर आप इसके कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका जो मेन कैमरा होगा वही इसकी मेन हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 64 MP का इसका मेन कैमरा देखने को मिलेगा, वाइड कैमरा। दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों ही आपको 22 MP में दिए गए हैं। अगर आप इसके सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। इसका जो मेन कैमरा होगा सेल्फी कैमरा का वो आपको 16 MP तक दिया गया है, दूसरा 2 MP। तो बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको USB Type-C की सर्विस भी प्रोवाइड की गई है। और आगे अगर इस फ़ोन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, और इस फ़ोन पे आपको 5200 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, और ये फ़ोन 18 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। तो ये थे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। लॉन्चिंग डेट की बात की जाए तो इसको 20 या 22 नवंबर को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। प्राइस तो मैंने आपको पहले ही बताई, इसकी 30 या 31 या 32 हज़ार में पाकिस्तान की मार्केट में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर इसको 30 हज़ार प्राइस टैग के साथ पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर इसको 30 हज़ार से ऊपर लॉन्च किया जाता है तो यार ये ओवर प्राइस हो जाएगा पाकिस्तान की मार्केट में। क्या आपको इस फ़ोन का इंतज़ार है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।